नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज पांचवें फेज की वोटिंग हो गई है समाप्त। अब वोटिंग परसेंटेज पे अभी तक बाजार काफी शार्प रिएक्शंस दे रहा है। कल वोटिंग परसेंटेज पे कैसा रिएक्शन देगा ये देखने वाली बात होगी। वहीं साथ ही साथ बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स भी आए हैं, रिजल्ट्स पे रिएक्शन आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अमेरिका 40,000 के ऊपर आराम से टिक रहा है। शुरुआती कारोबार में 20-30 पॉइंट नीचे जरूर गया था, लेकिन अभी एग्जैक्टली 30 पॉइंट ऊपर भी खड़ा है। अमेरिका बिल्कुल फ्लैट है, ये ऐसा लग रहा है कि कुछ करने के मूड में नहीं है। भारत के बाजार बंद हैं तो इनमें काम नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे देखो तो 60 पॉइंट की डाउ जोन्स में मूवमेंट है केवल, तो बहुत ही छोटी मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो नेट नेट लेवल पे आपको कल के लिए क्या क्या चीजें रडार पे रखनी है उसके बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना और समझना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी कंपनीज अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगी, उसके बाद अमेरिका का बाजार, ग्लोबल मार्केट क्या संकेत दे रहे हैं, और आज की वोटिंग परसेंटेज से कल बाजार कैसा करता है ट्रेड वो देखने वाली बात होगी। FIIs की बात करें तो ये पॉजिटिव हो गए हैं, अभी ये पॉजिटिव हो गए। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा बाइंग करके गए हैं दोनों कैश मार्केट में। फ्यूचर्स में FIIs ने हालांकि अभी भी सेलिंग करी थी बट बहुत छोटी थी। सैटरडे का ट्रेडिंग सेशन जो था उसमें ना के बराबर ट्रेड हुआ है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। तो आप समझते हैं कि करके ट्रिगर्स को, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेता हूं मैं आप सभी के साथ। जैसा कि मैंने आप सभी को डिस्कस किया, डाउ जोन्स में तो केवल 60 पॉइंट की मूवमेंट है और 20 पॉइंट ऊपर खड़ा है, इसको अवॉइड करिए। लेकिन नैस्डेक इंडेक्स में 0.5% की दमदार तेजी देखने को मिल रही है, ये अच्छी बात है। S&P 500 1/3% ऊपर है तो ये भी पॉजिटिव है। रसल 2000 में 0.5% से ज्यादा की तेजी है, लेकिन विक्स अमेरिका में पॉजिटिविटी के बावजूद 2% उछल रहा है। तो विक्स क्यों बढ़ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें क्या चीजें सता रही है कि भाई साहब क्या फियर फैक्टर डेवलप कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है। आगे बात करूं यूरोप के बाजारों की तो फिटसी डेक्स कैक तीनों हरे निशान में, यही अच्छी बात है। और एशिया पैसिफिक भी आपको तेजी ही देखने को मिल रही है चौतरफा, तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम का विषय तो नहीं दिख रहा है ग्लोबल मार्केट से लेकर अमेरिका, दुनिया भर के बाजारों में। अब आता हूं अगले पैरामीटर पे, वोटिंग परसेंटेज। आपको याद है शुरुआत के 3 चरण में वोटिंग परसेंटेज कमाई, बाजार टूटा। चौथे चरण में वोटिंग परसेंटेज अच्छी आई, बाजार रॉकेट। आज पांचवा फेज था। अब इस पे बाजार कैसा रिएक्ट करता है वो देखने वाली बात है, कल पता चलेगा हमें। बाकी वोटिंग परसेंटेज मैंने अभी चेक नहीं करा है। अब आप ये भी कह सकते हो भाई करके ही आते तभी बताते। देखो स्टॉक मार्केट है, अब वोटिंग परसेंटेज पे रिएक्ट जरूर कर रहा है, बट वोटिंग परसेंटेज मैं चेक भी करके आपको बताऊं भी तो मेरा कंक्लूजन नहीं निकल रहा। मैं ये जरूर कह सकता हूँ तेजी या मंदी, बट मैं उसको डायरेक्शनल नहीं ले सकता, वो वन डे वंडर आ जाएगा। अभी छठा फेज आएगा फिर नई चीज। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वोटिंग परसेंटेज अच्छी आई होगी तो बाजार ऊपर जाएगा, आप पॉजिटिव रहिए। वोटिंग परसेंटेज नेगेटिव आई, बाजार नीचे जाए, आप नेगेटिव मत होइए, क्योंकि ये टिकाऊ चीज नहीं है भाई। इसकी वजह से अगर बाजार टूट रहा है तो रीजन नहीं है। अब बाजार क्या कह रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कम होने का मतलब है करंट जो सत्ता में है वो चले जाएंगे, मतलब कम सीटें हो रही हैं, और वोटिंग परसेंटेज ज्यादा का मतलब है कि इनकी सीटें और बढ़ रही हैं। मेरा मानना है ये रिलेशन ही गलत है, वोटिंग परसेंटेज का क्या लेना देना इससे आ रहा है। और आ भी रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि बाजार इससे रिलेटेड ज्यादा एक्शन दिखाना चाहिए। बाजार के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बाजार के लिए इंपॉर्टेंट ये कि इलेक्शन में क्या होता है, कितनी सीटें आती हैं, एट द टाइम ही रिएक्शन जो आएगा वो फाइनल रिएक्शन मानिएगा। अभी मत कुछ सोचिए, समझिए नीचे जा रहा है तो अपॉर्चुनिटी समझिए, दैट्स इट। और फ्रेश बाइंग आप चाहो तो अवॉइड इग्नोर भी कर सकते हो, फ्रेश सेलिंग आप चाहो तो वो भी अवॉइड इग्नोर कर सकते हो। एक रिस्क फ्री इन्वेस्टर जो होता है वो इस समय पोजीशन हल्की भी कर सकता है, क्योंकि आप शेयर बाजार के लिए सबसे बड़े इवेंट पे बैठे हो, सबसे बड़े इवेंट पे। ये नई नई पॉलिसीज लाते हैं, पॉलिसीज को रन करते हैं, यही आगे चलकर ग्रोथ और नीचे का रास्ता दिखाती है। तो मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा सावधानी से और शांति से बैठना ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट सीजन चल रहा है तो ऑलरेडी एक्शन बड़ा चल ही रहा है। कहां कहां नंबर आए हैं वो मैं एक बार डिस्कस करता हूं शॉर्ट में। वायरपूल इंडिया के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, नंबर्स थोड़े से सुधर गए हैं क्योंकि मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया है, ₹5 का डिविडेंड आया है। एक्सेप्शनल लॉस कंपनी ने 19 करोड़ का शो कराया, तो प्लीज प्रॉफिट में एडजस्ट कर दीजिएगा, बाकी प्रॉफिट अच्छा कंपनी ने पेश कराया। तो बड़े लंबे समय बाद वायरपूल इंडिया कुछ अच्छा करते हुए दिखाए। VRL लॉजिस्टिक के नंबर आए हैं, हल्के से कमजोर साइड पे लग रहे हैं, हल्के इनफैक्ट काफी कमजोर लग रहे हैं। प्रॉफिट तो टूट ही गया, खत्म हो गया, लेकिन कामकाजी लेवल पे मुनाफा ठीक है, तो लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। SGS एंटरप्राइजेस सेल काफी चर्चाओं में है, मार्जिन बढ़कर आए हैं, कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया है, ₹1 का डिविडेंड आया है, एक्सेप्शनल आइटम है लॉस का ₹500 करोड़ का, तो प्रॉफिट में उसे एडजस्ट जरूर कीजिएगा। पावर मैक प्रोजेक्ट्स के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, नंबर्स ठीक ही दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
नागार्जुना फर्टिलाइजर्स के भी नंबर आते हुए दिख रहे हैं रिजल्ट कंपनी के। घाटा 500 करोड़ से घटकर 200 करोड़ का रह गया है, लेकिन घाटा ही है, रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट है तो ठीक है। केआरबीएल के नंबर आए हैं और नंबर अच्छे लग रहे हैं केआरबीएल के, और स्टॉक भी टूटा हुआ है, लेट्स सी कल कैसा रिएक्ट करता है। काइटेक्स के नंबर आते हुए दिखे हैं, केसीबी आईआरएफसी ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं मैं, आईआरएफसी के रिजल्ट, आईआरएफसी के नंबर्स भी दमदार लगे मुझे। होंडा पावर के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, डायमंड प्रताप स्नैक जिसे आप कहते हैं, सिटी यूनियन बैंक, कैरेसेल, कैमलिन फाइनसाइंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके नंबर मेरे को बड़े दमदार लगे। लेकिन मार्जिन्स में हल्का डिप आ गया, ये इंटरेस्टिंग है। एक तरफ आपका एचएएल मार्जिन ऊपर लेके जा रहा है और ये नीचे लाया। मैंने जब रिजल्ट डिस्कस करे थे वहाँ मार्जिन डिस्कस नहीं करे थे, सब कुछ अच्छा है लेकिन ये मार्जिन नीचे क्यों आ गया समझ में नहीं आ रहा। मार्जिन में काफ़ी बड़ी गिरावट दिख रही है, मतलब 200 बेसिस पॉइंट की ऑलमोस्ट गिरावट है। अपोलो पाइप्स के नंबर आए हैं, अपोलो माइक्रो सिस्टम के नंबर आते हुए दिखे हैं, ये सारे स्टॉक हैं जो कल अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। कल भी एक लंबी लिस्ट है, रिजल्ट सीजन चल रहा है तो कल भी कहाँ कहाँ नंबर आने वाले हैं एक बार मैं उसका भी शॉर्ट में आपको अपडेट दे देता हूँ। 21 मई का डेटा मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे मैं आपके साथ बात करूँ, रेडगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजी, मेट्रोपोलिस, जीएसएफसी, सीला फॉर्म, जेके टायर, एथर इंडस्ट्री, महाराष्ट्र सीमलेस, एनएमडीसी, इरकॉन इंटरनेशनल, जीई टीएनडी इंडिया, हिटाची एनर्जी, पीआई इंडस्ट्री, भेल, एनएमडीसी, ये कुछ बड़े नाम है जो रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो इन स्टॉक्स को कृपया करके नजर में बना के रखिए। अब आ जाते हैं निफ्टी पे, तो निफ्टी की बात करूं दोस्तों, हमारी क्लोजिंग आते हुए दिखी आपको 22,700 की जगह खुल रही है। अगर ये वोटिंग परसेंटेज पे नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया तो 22,500 की जगह खुली है, और नेगेटिव रिएक्शन आ गया तो 22,300 मैक्सिमम डाउनसाइड इस समय दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।